अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग करने लगे हैं हमारे पास पेनक्रियास का आखिरी टॉपिक विच इज अबाउट न्यू प्लाज्मा एक्सोक्राइन पेनक्रियास, जिसमें कुछ बातें ना बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, जिसकी वजह से मैंने टॉपिक आपको बीच में रखना लाजमी समझा। उसमें पहली बात तो ये कि आपके पास पेनक्रियास में जाहिर सी बात है आपको पता है एंडोक्राइन पोर्शन है जो कि इंसुलिन ग्लूकागन रिलीज करता है, और एक्सोक्राइन पोर्शन आपके पास वो वाले पेनक्रियाटिक एंजाइम्स बनाते हैं जो कि आपकी ये डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम सिर्फ अभी बात करें एक्सोक्राइन पोर्शन की जो कि एंजाइम्स बनाने वाले, ठीक है। दूसरी बात देखिए, हमारे पास जिस तरह पेनक्रियाटाइटिस एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस बहुत ज्यादा मॉर्बिड कंडीशन होती है, उसी तरह आपके पास जो पेनक्रियास का कैंसर है वन ऑफ द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट जिस कैंसर की वो पेनक्रियास के, क्योंकि पहली बात तो ये लेट डायग्नोसिस होता है इसका अक्सर औकात, दूसरी बात इसकी सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा होती है कि पेशेंट बहुत ही कम बचता है इस कैंसर की बात, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जिसकी टाइप्स में अगर बात करेंगे तो वैसे तो जिस तरह आपको पता है कि एडिनोकार्सिनोमा होता है, एक जो आपका डक्टल वाला होगा तो सबसे कॉमनली इसके अंदर एडिनोकार्सिनोमा ही हो रहा होता है पेनक्रियास के अंदर, और पेनक्रियास आपको पता है हेड बॉडी और टेल है, तो आपका हेड के अंदर सबसे कॉमन है, 70% जो कैंसर है वो हेड के पास होते हैं, और हेड आपका वो वाला पोर्शन है जो सबसे करीब है आपकी ड्यूडेनम की सी शेप कैविटी के अंदर, और एम्पल ऑफ वेटर के करीब भी हेड ही है, ठीक है। फिर पीछे बॉडी है और एंड में टेल है, तो हमारे पास 70% कैंसर हेड के होते हैं, उससे कम बॉडी के और सबसे कम टेल में होते हैं कैंसर। उसके बाद हमारे पास आपको पता है जो हमारा ड्यूडेनम का वो पोर्शन है जिसमें आके यहाँ पर से बाइल डक्ट आती है और यहाँ से पेनक्रियाटिक डक्ट आती है, मिलके आके ड्रेन होती है, उसको हम एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। तो एम्पुला ऑफ वेटर वाली जगह पे अगर कैंसर होगा तो उसको हम एम्पुलरी कार्सिनोमा कहते हैं, जो कि कम होता है। अगर आपके पास एम्पुला ऑफ वेटर के आसपास 2 सेंटीमीटर के एरिया में कोई भी कैंसर डेवलप होता है तो उसको हम पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा कहते हैं। वो कैंसर अगर हेड ऑफ द पेनक्रियास में होगा, हेड ऑफ द पेनक्रियास का वो एरिया जो कि इस एम्पुला ऑफ वेटर के 2 सेंटीमीटर के अंदर अंदर लाई कर रहे, ठीक है। एम्पुला ऑफ वेटर से 2 सेंटीमीटर आगे अगर हेड ऑफ द पेनक्रियास पड़ा हुआ है और उसके अंदर कैंसर है तो उसको आप कैंसर ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियास नहीं कहेंगे, उसको आप पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा कहेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सबसे इम्पोर्टेंट एक बात ये थी, एक ट्रीटमेंट में बात आएगी, इसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना ये सारा पूरा का पूरा टॉपिक बीच में रखा है कि आपको ये डिफरेंस पता चले कि कैंसर ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियास क्या होता है और पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा क्या होता है, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ, या आपके पास ड्यूडनम है, ठीक है, ड्यूडनम है, दिस इज योर एम्पुला ऑफ वेटर, ये सुराख है, ठीक है। सपोज करते हैं जो सुराख में आके ड्रेन होना है सबने, वो सबने नहीं, पेनक्रियाटिक और बाइल डक्ट ने। अब हमारे पास यहाँ हेड ऑफ द पेनक्रियास पड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ इस जगह ऐसे करके पड़ा हुआ। अब बिल्कुल जहां पर एम्पुला ऑफ वेटर है उसके भी बिल्कुल साथ आपका हेड ऑफ द पेनक्रियास पड़ा हुआ, तो हमने ये कहा, और यहाँ पर ड्यूडनम भी है, ठीक है, यहाँ पीछे की तरफ आपका स्टमक पड़ा हुआ है इधर ऊपर, ठीक है, आगे इसके स्टमक है। हमने कहा कि इस एम्पुला ऑफ वेटर इसके आसपास 2 सेंटीमीटर जितना एरिया बनता है, सपोज इतना एरिया है, इसके अंदर जो भी कैंसर आएगा, चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे वो ड्यूडनम का कैंसर हो, चाहे वो पेनक्रियास का कैंसर हो, चाहे वो आगे बढ़े हुए स्टमक का कैंसर हो, चाहे वो बाइल डक्ट का कैंसर हो, बाइल डक्ट अगर इसके अंदर आ रही है इसके 2 सेंटीमीटर अंदर, जो भी चीजें आपके एम्पुला ऑफ वेटर के 2 सेंटीमीटर के एरिया के अंदर अंदर आ रही है, वो सारी की सारे कैंसर को हम पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा कहेंगे। जिस जगह पे वो है हम उस जगह का नाम नहीं देंगे। अगर ड्यूडनम में है, सपोज यहाँ पर ड्यूडनम पड़ा हुआ है ना, ये अगर ड्यूडनम में कैंसर है तो हम ये नहीं कहेंगे इट इज ड्यूडनल कार्सिनोमा, हम अगर वो 2 सेंटीमीटर इसके अंदर आ रहे हो तो हम उसको कहेंगे पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा। इस तरह ये हेड ऑफ द पेनक्रियास है, अगर हेड ऑफ द पेनक्रियास में इस जगह पे कैंसर बना हुआ तो उसको हम कभी भी नहीं कहेंगे सीए हेड ऑफ द पेनक्रियास, हम उसे कहेंगे पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा। अगर वो बाइल डक्ट में इस जगह पे है जो इस एरिया में लाई करी है तो उसको हम कोलेंजियो कार्सिनोमा नहीं कहेंगे, उसको पेरी एम्पुलरी कहना है, ठीक है। तो आपकी एक पेनक्रियास से रिलेटेड बात ये थी कि पेनक्रियास का जो पूरा हेड है, ये सपोज पूरा पेनक्रियास का हेड है, इसमें से इतना सा जो एरिया है इसमें अगर कैंसर होगा तो उसको कैंसर ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियास कहेंगे, और ये वाला जो एरिया है इसमें अगर कैंसर होगा तो इसको हम पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा कहेंगे। तो इसको ना ऐसे स्टीव जॉब्स का जो एप्पल कंपनी का मालिक है ना, उसका आपका एप्पल की शेप आपने देखी हुई है, उसका एप्पल ऐसे करके खाया हुआ होता है, ठीक है, ऐसे करके ये है ना कुछ शेप एक तरह से चक मारा हुआ होता है। तो ये लोग कहते हैं, मतलब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और सर्जन को बहुत पसंद आती है अक्सर, कि हमारे पास पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा आप इस तरह समझें, बेसिकली आप कैंसर ऑफ हेड ऑफ द पेनक्रियास को इस तरह से समझें कि आपका ये पूरा एक एप्पल था, पूरा एप्पल इज योर हेड ऑफ द पेनक्रियास, अगर वो पूरा होगा, ठीक है, ये ऐसे ये पूरा एप्पल था, ये हेड ऑफ द पेनक्रियास है, ये वाला उसका वो वाला पोर्शन है एप्पल का जो कि एम्पुला ऑफ वेटर के करीब लाए कर है। तो इस वजह से हमने इस पोर्शन को बीच में से निकाल दिया, क्योंकि इस पोर्शन का जो कैंसर था वो पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा कहलाता था। तो कैंसर ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियास वो होगा जो इस बाकी सारे एप्पल में होगा, किसी भी जगह पे वो आपका हेड ऑफ द पेनक्रियास कैंसर है,
और ये वाला पोर्शन जो हमने बाइट से खा लिए ये आपका पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा। ठीक है, तो स्टीव जॉब के एप्पल सेल्स को मिलाते हैं, ये बात आपने लाजमी याद रखनी, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर तो ये बात है कि जरूरी नहीं है हो, लेकिन हो भी सकता है, एज है, मेल जेंडर है, ब्लैक रेस है, स्मोक, फेमिनल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस का होना, और इसके अलावा मतलब कुछ और बातें जो कि इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन 100% किसी चीज का भी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि आप जब कैंसर ऑफ द हेड, अब हम जो पढ़ेंगे जाहिर है क्योंकि हम इस वक्त मेनली पढ़ रहे हैं कैंसर ऑफ द हेड ऑफ द पैनक्रियाज, हम पैनक्रियाज की बात कर रहे हैं और पैनक्रियाज में हेड में सबसे कॉमन कैंसर है। तो आपने याद रखना है, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि अभी कैंसर अगर हेड ऑफ द पैनक्रियाज में बना है, ठीक है, इस जगह बना है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पीछे आपकी कॉमन बाइल डक्ट पड़ी हुई है, तो बहुत ही प्रोबेबल है कि ये आपके कॉमन बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा कैंसर। ठीक है, हेड ऑफ द पैनक्रियाज का कैंसर कॉमन बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट न्यू इसके आगे से गुजर के आ रही होती है, तो जहर एक मैस आएगी तो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी। जब कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो पीछे की तरफ जो सिम्टम्स आएंगे वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के आएंगे, डार्क कलर यूरिन, पेल कलर स्टूल, पेशेंट पीले रंग का होगा, प्रूराइटिस, इचिंग होगी उसको, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के फीचर्स हैं। तो हमारे पास, हमने पहले बात की थी कि क्रोइजर्स लॉ ये कहता है कि अगर बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन आपकी स्टोन की वजह से होगी तो गॉल ब्लैडर विल बी इम्पेल्पेबल, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन के पड़े होने की वजह से फाइब्रोस हो गया होगा। लेकिन अगर बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन सीए हेड ऑफ द पैनक्रियाज की वजह से होगी तो गॉल ब्लैडर विल बी पेल्पेबल, क्योंकि गॉल ब्लैडर में फाइब्रोसिस नहीं हुआ हुआ और ये गॉल ब्लैडर है आपका, और आगे इसकी ये कैंसर ने बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन कर दी, अब सारे की सारी बाइल पीछे की तरफ मूव करिए, स्टेसिस ऑफ द बाइल हो रहा है, गॉल ब्लैडर डिस्टेंड करता जाएगा, ठीक है, पेल्पेबल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपके पास जब भी सिनेरियो में आता है कि एक पेशेंट है जो आपके पास मैस के साथ प्रेजेंट किया कि मैस इन योर एपिगैस्ट्रिक रीजन, उसके साथ उसको जॉन्डिस के फीचर्स हैं और उसके साथ उसका गॉल ब्लैडर पेल्पेबल है, तो आपको बहुत ज्यादा लाइकली फीचर जाता है कि आपका सीए हेड ऑफ द पैनक्रियाज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, सीए हेड ऑफ, यहाँ पर एक और बात है जो बुक में लिखी हुई कि जब आप इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपको कैंसर हेड ऑफ द पैनक्रियाज है जिसने आपकी बाइल डक्ट को ब्लॉक कर दिया और पीछे गॉल ब्लैडर डिस्टेंड कर गए, तो आपको ना जब आप एब्डोमेन को पैल्पेट करते हैं तो आपको दो मैसेज फील होती हैं। आप चेक करते हैं और पेशेंट से कहते हैं कि वो डीप रेस्पिरेशन करे, जो गहरा सांस ले। जब आप गॉल ब्लैडर को पैल्पेट कर रहे होंगे और पेशेंट गहरा सांस लेगा तो उसका गॉल ब्लैडर सांस के साथ मूव करेगा, जरा डायफ्राम मूव करते हैं तो गॉल ब्लैडर और लिवर भी मूव करते हैं, तो एक मैस वो होगी जो आपको मूवेबल फील होगी विद रेस्पिरेशन, वो आपका गॉल ब्लैडर होगा। दूसरी मैस होगी आपका पैनक्रियाज का कैंसर, तो वो जब आप पैल्पेट करेंगे पेशेंट सांस लेगा तो सांस लेने के साथ, क्योंकि वो तो कैंसर है, पैनक्रियाज के साथ अटैच है और पैनक्रियाज रिट्रोपेरिटोनियल अटैच स्ट्रक्चर है, तो वो मूव नहीं करेगा, तो वो आपको पता चल जाएगा कि दो मैसेज में से एक गॉल ब्लैडर है जो मूव करता है रेस्पिरेशन के साथ और एक कैंसर है जो मूव नहीं करता रेस्पिरेशन के साथ। तो ये आपको डिफरेंस इस तरह पता चल जाता है, ये भी आप लिख लेना, बुक में नहीं लिखी हुई बात, ठीक हो गया। अच्छा, आप क्लिनिकल फीचर्स इस पेशेंट के क्या होंगे जो कैंसर के साथ प्रेजेंट करते हैं, कैंसर के जनरल क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, वेट लॉस होना, एनोरेक्सिया होना और उसके अलावा उस जगह पे पेन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद उसकी जो सिम्टम्स बाकी आएंगे वो कॉम्प्लिकेशन के सिम्टम्स आते हैं जब कैंसर, इसीलिए मैं कहती हूँ ना लेट डायग्नोसिस वजह से होते हैं, क्योंकि जब छोटा होता है तो कोई खास सिम्टम्स नहीं होते पेशेंट को, बड़ा जब हो जाता है जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के फीचर्स आते हैं तब पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, बड़ा होगा बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के फीचर्स डार्क कलर यूरिन, पेल कलर स्टूल, प्रूराइटिंग है, प्रूराइटिस है, इचिंग ऑन स्किन है और पेशेंट की जो जनरल कलर है वो येलोनेस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर ये आपका इतना बड़ा कैंसर है कि आगे पड़ा हुआ स्टमक को ऑब्स्ट्रक्ट करे, स्टमक और जो आपका ड्यूडेनम ये वाला आगे तो नहीं पड़ा हुआ, इस जगह पर स्टमक होता है ना इसके, ठीक है, ऐसे करके, तो अगर वो आपके स्टमक के ऊपर इस जगह पाइलोरस वाले एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन करे तो डेफिनेटली बात है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स पेशेंट होंगे, वॉमिटिंग हो गया, डिस्फेजिया होगा उसे, ये वाले फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। और अगर ये आपका पेरिटोनियम मजीद पीछे की तरफ आपकी कमर की तरफ मजीद एक्सटेंड करे ट्यूमर जो है तो पेशेंट को बैक पेन होगी, तो ये आपके डिफरेंट तरह के फीचर्स हो सकते हैं जो डिफरेंट जगहों के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से होते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें आपका पैल्पेबल गॉल ब्लैडर है ये आप नहीं भूलना, क्योंकि गॉल ब्लैडर डिस्टेंड हो गया और जॉन्डिस है, वेट लॉस एनर्जिया तो होता ही होता है, ठीक है। फिर आपने इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह से करना है, सबसे पहले तो आप सीरम सिंपल वो जो करवाएंगे एलएफटीज, तो उसमें आपका एलएफटीज में मिल जाएगा आपको अल्कलाइन फॉस्फेटेज और गैमा ग्लूटामाइन ट्रांसफरेज, वो वाली दोनों चीजें जो आपके ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में मिलती है वो दोनों आपको रेज मिलेंगी, क्यों मिलेंगी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है पेशेंट को, ठीक है, तो इसकी रीजन मैंने आपको बताई हुई है कि एएलपीवी वॉल में प्रेजेंट होते हैं और जीजीटीवी वॉल में होते हैं। अल्ट्रासाउंड आपका बहुत अच्छा होता है और आपने लाजमी कराना भी होता है, अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाता है कि बाइल डक्ट बिलरी चैनल्स डायलेटेड है, पीछे की तरफ कोई स्टोन है या नहीं, अगर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, दोनों बातें हो सकती है,
तो इस चीजों का तो अल्ट्रासाउंड काफी अच्छा बता देते हैं। लेकिन पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर को और पैनक्रियाज के ट्यूमर को देखने के लिए ना अल्ट्रासाउंड करने वाला बंदा बहुत स्किलफुल होना चाहिए। नॉन स्किलफुल पर्सन को नॉर्मली पैनक्रियाज का कैंसर नजर नहीं आता कि वो पीछे करके पड़ा हुआ होता है, स्किलफुल बंदे को नजर आ जाता है। ठीक है, तो उससे ज्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन आपका अच्छे से बता देते हैं कि कहां पर कैंसर पड़ा है, उसकी लोकेशन क्या है, क्या उसका रिलेशनशिप क्या है सराउंडिंग स्ट्रक्चर के साथ, अटैच है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और साथ वो स्टेजिंग भी कर देते हैं, क्योंकि वो लोकल लिम्फ नोड्स का बता देते हैं और मेटास्टेसिस भी उसमें नजर आ जाते हैं। तो आपका सीटी स्कैन तो बहुत ज्यादा अच्छा डायग्नोस्टिक होता है। सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट अगर आप कराएंगे, जो ट्राईफेजिक सीटी स्कैन होता है, तो भी तो आपको 100% पता चल जाता है कि ट्यूमर की वेसल्स कहां से आ रही है, क्या उसकी लोकेशन है वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, फिर अगर आपने मजीद सॉफ्ट टिश्यू की डिटेल्स देखने तो आप MRI करा लें, मतलब ये उसी तरह का जैसे सीटी स्कैन है। CA19/9 इज योर ट्यूमर मार्कर, तो अगर आप CA19/9 कराते हैं तो ये काफी हद तक स्पेसिफिक और सेंसिटिव है और आपका रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट भी इससे पता चल जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जब मेटास्टेसिस होता है तो हम उसके लिए लैप्रोस्कोपी करते हैं, मतलब लैप्रोस्कोपी फॉर लिवर मेटास्टेसिस हम उसके लिए कर लेते हैं, वरना कोई इतनी जरूरत नहीं होती। अच्छा, ERCP जो करने की इंडिकेशन है वो ऐसे नहीं है, ERCP सिर्फ तभी है कि अगर आपने कोई स्टोन वगैरह उसको रिमूव करना चाहें तो कर लें। अच्छा, अब हमारे पास इसकी जो मेन स्टे है ना ट्रीटमेंट का, वो तो सर्जरी है पैनक्रियाज के कैंसर का। रेडियो कीमोथेरेपी की मेन स्टे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जब आप सर्जरी करने लगते हैं तो वो आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आ जाती है। ठीक है, अच्छा, उसमें हमारे पास सबसे पहली जो कंडीशन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है। वैसे जनरली हमने पढ़ा हुआ होता है, आपको पता है कि हम कहते हैं कि जब भी कैंसर आपका डिस्टेंट मेटास्टेसाइज कर चुका होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंट मेट्स होते हैं उसके, तो फिर हम उसके लिए सर्जरी नहीं करते, फिर हम उसको पेलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसे ही केस है कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा लिवर लंग्स में, क्योंकि जाहिर है ये कैंसर दोनों तरह से फैलते हैं, आपका पैनक्रियाटिक कैंसर आपके लिम्फ नोड्स में भी फैलता है, आपके हेमाटोजेनस मेटास्टेसिस भी होता है, तो अगर उसका लिवर में लंग्स में बहुत ज्यादा मेट्स फैल चुके हैं या फिर उसके अलावा आपकी जो आसपास इसके आर्टरीज हैं उनमें ये बहुत ज्यादा जा चुके हैं, जिसमें आपकी हेपेटिक आर्टरी है, सीलिक आर्टरी है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, जाहिर है ये वाली आर्टरीज इसके आसपास लोकेटेड है, या फिर आपकी जो पोर्टल वेन है जो लिवर में आती है पीछे इसके, ठीक है, नेक ऑफ द पैनक्रियाज के पीछे आपकी पोर्टल वेन बनती है ना, जब आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन ज्वाइन करती है स्प्लेनिक वेन के साथ, तो अगर पोर्टल वेन में भी बहुत ज्यादा इन केस हो चुके, ठीक है, थोड़ा बहुत होगा तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जा चुका है तो फिर हमें सर्जरी नहीं करनी। तो याद रखना है कि लिवर और लंग में मेटास्टेसिस हो जाए, आपकी आर्टरीज में चला जाए और वेन में बहुत ज्यादा चला जाए, तो फिर हमें सर्जरी नहीं करनी, तो फिर हमें पेलिएटिव ट्रीटमेंट देने, क्योंकि फिर पेशेंट का प्रोग्नोसिस सर्जरी के बाद ही बहुत पुअर होता है, तो हमें फायदा नहीं होता इतनी सारी मेहनत करने का। मेहनत क्या मतलब, फायदा होता ही नहीं है ना, मेहनत करना तो छोड़ो, मेहनत करने के लिए तो डॉक्टर ही बनते हैं ना सारे, मेहनत तो करनी होती है, लेकिन फायदा बिल्कुल नहीं है। और कौन सी ऐसी जगह है कि अगर हमारे पास वो होंगी तो हमें कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है सर्जरी की, कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत पोर्टल वेन में मेटास्टेसिस है, थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत होगा तो हम उसको रिमूव कर लेंगे, पोर्टल वेन को हम काट के दोबारा इनसाइज कर लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत मेटास्टेसिस पोर्टल या सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में होता है, अगर सिर्फ आपके लोकल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर ट्यूमर का साइज छोटा होता है, और अगर आपके पास अगर डिस्टेंट मेटास्टेसिस हुआ भी है तो वो आसपास पड़े हुए स्ट्रक्चर्स में, मतलब पैनक्रियाज के साथ वो ड्यूडनम में आ गया या वो स्टमक में आ गया, तो फिर हमने सर्जरी कर देनी है। उसकी वजह क्या है कि ड्यूडनम और स्टमक तो हमने वैसे ही कुछ ना कुछ पोर्शन रिमूव करना ही करना है ट्यूमर के साथ, जब हम विपल्स प्रोसीजर करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी, तो ड्यूडनम में रिमूव करते हैं, स्टमक के पोर्शन को भी रिमूव करते हैं, तो उधर रिमूव करना ही है, तो अगर उनमें कैंसर चला भी गया तो इच्छो के हम रिमूव कर देंगे। लोकल लिम्फ नोड्स को भी हमने रिमूव करना ही करना है, तो उधर भी कैंसर चला गया तो इच्छो के हम रिमूव कर देंगे। पोर्टल स्पीन से डायरेक्ट वेन के पोर्शन को भी हम थोड़ा थोड़ा कट कर सकते हैं, इसलिए वहां से भी हम कैंसर रिमूव कर लेंगे। तो इस वजह से अगर ये बातें हैं, यहां पर मेटास्टेसिस है तो हमें सर्जरी करनी है। अच्छा, सर्जरी करने से पहले हमें पेशेंट को ना वही बात है कि जिस तरह हम एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में कहते हैं कि हमें उसे कुछ केयर लाजमी देनी है, या फिर हम किसी भी बल्कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट को जो हमें केयर देनी होती है वो यहाँ पर लाजमी देनी है। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो आपसे वाइवा में बहुत ज्यादा पूछते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट को जब भी आप मैनेजमेंट लिखेंगे ना, मैंने आपको बताई भी थी, उसमें आपने विटामिन के एक लाजमी देना होता है, आप कहते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर की एबनॉर्मैलिटीज को आप ठीक जरूर करेंगे, और तीसरी चीज आप कहते हैं कि पेशेंट को हम अक्सर डायूरेटिक्स देते हैं, मैनिटोल देते हैं, इन तीन चीजों की क्या रीजन है, हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में तीन चीजें क्यों देते हैं। सबसे पहली चीज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, बाइल आगे नहीं जा रही, बाइल ने ड्यूडनम में जाना था, ड्यूडनम में बाइल का क्या काम था कि फैट को ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब कराना होता है। अब आपको पता है कि जो हमारे पास अगर बाइल नहीं आ रही ड्यूडनम में, तो इसका मतलब ये कि जितनी भी फैट सॉल्युबल चीजें थी और जितने भी आपके फैटी चीजें थी वो अब एब्जॉर्ब नहीं होंगी बॉडी में, एब्जॉर्ब नहीं होगी तो वो डायरेक्ट फीसिस में एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है,
तो हमारे पास विटामिन के इज वन ऑफ योर फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए डी ई और के ये सारे हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं, लेकिन विटामिन ए डी ई की डिफिशियंसी देर से होती है, सबसे पहले विटामिन के की होती है। उसकी वजह ये होती है कि विटामिन के आपका एक्टिवली इस्तेमाल हो रहा होता है लिवर में ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो अगर वो नहीं होगा तो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स मैच्योर नहीं होंगे और आपका सारा जो क्लॉटिंग प्रोफाइल है वो खराब हो जाएगी, पेशेंट ब्लीड करने लग जाएगा। इसलिए क्योंकि हमारी बाइल ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में ऑब्स्ट्रक्ट कोई भी आगे जा नहीं रही, या आपके फैट सोलेबल विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, और फैट सोलेबल विटामिन के एब्जॉर्ब ना होने की वजह से आपके पास ये इनकी कमी होने का, खासतौर पर विटामिन के की कमी होने का खतरा होता है, क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी का खतरा होता है, तो हम पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं विटामिन के। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होने का बहुत ज्यादा चांस होता है और हुआ हुआ भी होता है पेशेंट को, आपने विटामिन के लाजमी देना है। क्लॉटिंग फैक्टर्स की अगर एबनॉर्मेलिटी है बहुत ज्यादा कम हो गए हैं तो आपने पेशेंट को प्री फॉर्म क्लॉटिंग फैक्टर्स देना है। क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी भी दो वजह से हो सकती है, एक तो ये कि विटामिन के नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर्स में चोर नहीं हो रहे, दूसरी कमी हो सकती है कि आपके पास जो बाइल है वो पीछे अगर स्टेसिस हो रहा है, उसका गॉल ब्लैडर में स्टेसिस हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता गॉल ब्लैडर के अंदर ही तो नहीं रहेगी ना, वो लिवर में भी जाएगी, लिवर में भी वो खराबी करेगी, तो खराबी लिवर में होती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी लिवर में सिंथेसाइज होते हैं, उस वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स भी अब नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये भी एक वजह होती है कि हम क्लॉटिंग फैक्टर्स देते हैं। फिर हम पेशेंट को डायरेटिक्स यानी मेनेटोल वगैरह क्यों देते हैं, ताकि पेशेंट हेपेटोरिनल शट डाउन में ना जाए। वो क्या चीज है वो अगले पार्ट में कहते हैं। किसी को मसला हो कि नास्मी, थैंक यू।